नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्ण मोहन, आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़ क्लिक पोर्टल के बारे में। और इसमें जो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ क्लिक पोर्टल। यहाँ पर देखते हैं कि न्यूज़ क्लिक जिसका स्थापना हुआ था 2018 में हुआ, ठीक है। ये एक मीडिया है, एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो क्या करते हैं खबरों को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से छापते हैं। आइए बात करते हैं न्यूज़ क्लिक, क्यों इनके जो फाउंडर और इनके जो अदर मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बाय द दिल्ली पुलिस, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ क्लिक जो मीडिया है, ठीक है, इसको विदेशी फंड्स आ रहे थे। कहाँ से? तो चाइना से आ रहे थे। जी हाँ, विदेशी फंड्स चाइना से इलीगली, अवैध रूप से आ रहे थे, ठीक है। किसके द्वारा आ रहे थे? तो फंड्स इन्फ्यूज्ड बाय निवल रॉय सिंघम। निवल रॉय सिंघम वो इंडिया में नहीं रहता, वो विदेश में रहता है, और प्रो चाइनीज है ये, यानी चाइना गवर्नमेंट और उसके पॉलिसीज वो समर्थन करता है, और एंटी इंडिया कैंपेन, एंटी इंडिया पॉलिसीज इंडिया में रन कराता है। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाता है उसमें उसमें बदलाव करने की कोशिश करता है। वो एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप के रूप में वो काम कर रहा था, है ना। इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो सॉवरनिटी है, जो संप्रभुता है, उसका उल्लंघन हो रहा था। अब क्या होगा कि कैसे सर? तो आप देख सकते हो कि जो भी फॉरेन फंड्स हमारे इंडियन मीडिया को आ रहे थे, रिसीव हो रहे थे, तो अब इंडियन मीडिया, ठीक है, अब उसको क्या कर रहे थे, जो इंडियन गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, जो भी योजना है, उसको उसमें गलती निकाल करके, खामियां निकाल करके ना पब्लिक के बीच में सरफेस किया करते थे, ठीक है। आप देखे होंगे क्या हुआ एनआरसी के बारे में, ठीक है, एनआरसी का किसान बिल क्यों यह इंडिया में फेल कर गया? बिकॉज जो चाइना का जो पॉलिसी है एंटी इंडिया, ठीक है, वो ऐसे ही लोग, ठीक है, निवल जो रॉय सिंघम की मैं जो बात कर रहा हूँ, ऐसे ही लोगों को क्या करते हैं, फंड देते हैं। और ये निवल रॉय सिंघम हमारे मीडियाज को, ठीक है, ये क्या करता है, फंड ट्रांसफर करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने ढंग से, है ना, वो क्या करते हैं, उसको छपवाते हैं या फिर वीडियोस को बनवाते हैं, ताकि पब्लिक लोगों का जो भरोसा है गवर्नमेंट से कम होने लगे। और पब्लिक लोगों के बीच में यह एक हमेशा डिबेट बनता रहे कि देखिए चाइना कितना डेवलप कर रहा है, वहाँ का इंडस्ट्रीज कितना, इकोनॉमी कितना डेवलप कर रहा है, और कितना शांति प्रिय देश है। दरअसल ऐसा कुछ बात नहीं, चाइना आप देख सकते हो, अफ्रीका वगैरह में चल जाओ तो वहाँ के जो क्या बोले ना, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसमें चाइनीज चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ का जो पॉलिसी बनता है वहाँ पर चाइना तय करता है, ठीक है, कि किस प्रकार का पॉलिसी होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, ठीक है, किसका, तो संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। चाइना कौन होता है हमारा किसान बिल को रिजेक्ट कराने के लिए, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली कर रहा है, कैसे, तो फंड्स को दे करके, मीडिया को फंड्स देता है, एकदम क्लियर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि, है ना, बहुत सारे फंड्स आ रहे थे, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उस पर आंच उठा हुआ था, ठीक है। एज पार्ट ऑफ लार्ज क्रिमिनल कंस्पायरेसी, एक षड्यंत्र है, ठीक है, चाइनीज टेलीकॉम जाइंट्स, इसमें बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे सियोमी हो गया, वीवो हो गया, और भी जितनी भी चाइनीज मोबाइल कंपनीज है, ठीक है, वो इंडिया के जो लॉ है फेमा एक्ट, PMLA जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्ट, ये प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं इस लॉ को वो वायलेट कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग भी इससे किए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या किया गया कि दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर है, ठीक है, इंडिया में, उसको तो गिरफ्तार किया ही किया, साथ ही साथ जो अदर मेंबर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे उसको भी गिरफ्तार किया गया अंडर द UAPA एक्ट 1967।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक्चुअली ये बहुत ही हार्श लॉ है। आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी टेरर आउटफिट्स हैं, ठीक है, जो थे जिन उनको उनको बैन कर दिया गया, और ये किसके तहत, किस लॉ के तहत किया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि निस्प्लिक फाउंडर, ठीक है, प्रवीर प्रकाश था, ये नाम याद रखिएगा, प्रवीर प्रकाश था, ये भारत में न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं, ठीक है, और इनको गिरफ्तार कर दिया गया इन द केस ऑफ अंडर यूरोफेयर एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, और हम आगे ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, टू द फैक्ट, टू द पॉइंट्स होंगे, और ये सारे वीडियोज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें अननेसेसरी हम लोग कोई टॉक नहीं करेंगे, हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू।